नमस्कार दोस्तों, टेक एकांत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो मेरा नाम है एकांत। तो फाइनली सैमसंग की एम सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, जो इसकी सेल स्टार्ट है वो 5 फरवरी से स्टार्ट है इसकी 12 बजे से। इसमें आपको दो मॉडल मिलेंगे, एक तो M20 और दूसरा M10। जो M20 में जो आपको फीचर्स मिलेंगे, उसकी जो स्क्रीन है 6.3 इंच की फुल HD आपको स्क्रीन मिलेगी। जो बैटरी है वो 5000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी, काफ़ी बड़ी बैटरी आप इसमें दी गई है। डुअल कैमरा के साथ आपको ये मिलता है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, और जो डिस्प्ले है वो इन्फिनिटी डिस्प्ले है वी टाइप में। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी काफ़ी इसके अट्रैक्टिव है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो 2340x1080 फुल HD क्रिस्टल के रेजोल्यूशन आपको मिलता है इसमें 409 PPI के साथ। और जो चार्जर है वो भी काफ़ी मतलब सुपर फास्ट चार्जर इसमें दिया गया है। M20 में आपको प्रोसेसर एक्सनोस का मिलता है 7904 128 ऑक्टाकोर प्रोसेसर आपको इसमें दिया गया है, जिसकी वजह से आप गेम इसमें काफ़ी बड़े बड़े पबजी जैसे गेम इसमें आप आसानी से चला सकते हो। इसमें आप मल्टीटास्किंग इजीली कर सकते हो, वीडियो सोशल मीडिया और काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें बिना परेशानी के आप इसमें चला सकते हो। जिसकी डिस्प्ले वो काफ़ी अच्छी है, जो इसका फ्रंट कैमरा वो 8 MP का दिया गया है, और जो रियल है वो 13 और 5 MP का इसमें डुअल कैमरा दिया गया है रियल में। इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है पीछे ही। फ्रंट में इसमें 8 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि इसमें फ्लैश के साथ आता है, तो डिस्प्ले में ही फ्लैश दी गई है इसमें, जिससे कि आप रात में अच्छी तरह फ़ोटोज़ ले सकते हो इजीली। जिसमें स्पीकर्स दिए गए हैं M20 में, वो भी काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, तो जो इसमें साउंड आएगी आपको वो काफ़ी अच्छी है सुनाई देगी। इसमें दो कलर आते हैं, एक तो ब्लैक कलर में आता है और दूसरा आता है ब्लू कलर में, तो आप कोई भी देख सकते हो, दोनों कलर काफ़ी अच्छे हैं। जो इसकी बॉडी है वो प्लास्टिक की बॉडी है और वो भी काफ़ी अच्छी है। जो इसका स्क्रीन का साइज़ है फ्रंट का, वो 90% ये स्क्रीन ने कवर किया है। जो दूसरा फ़ोन है वो है M10 में आपको काफ़ी कम फीचर्स मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू M20 से। तो जो M20 था उसमें आपको टाइप सी केबल भी मिल जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी फास्ट चार्ज हो गया है। इसमें आपको M10 में आपको वो नहीं मिलता, और इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर भी नहीं मिलता जो रियल में मिलता है। और जो इसमें बैटरी साइज़ दिया गया वो भी काफ़ी छोटा है, उसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती थी, इसमें 3600 mAh की बैटरी मिलती है। जो स्क्रीन है वो भी इसमें आपको फुल HD नहीं मिलती, और M20 में आपको फुल HD स्क्रीन मिलती थी। जो कैमरा है रियर का वो डुअल कैमरा, वो आपको बिल्कुल सेम मिलेगा 13 और 5 MP दोनों। फ्रंट में इसमें आपको 5 MP का कैमरा मिलता है, और जो M20 में था उसमें आपको 8 MP का कैमरा दिया गया। जो M10 में जो प्रोसेसर है वो काफ़ी मतलब जो M20 से छोटा है, इसमें 1.6 एक्सोस ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया। जो बॉडी है वो बिल्कुल सेम है जैसे M20 में, तो बिल्कुल वैसी ही मिलेगी आपको। जो इसमें कलर दिए गए हैं वो भी सेम है, ब्लैक एंड ब्लू में। तो ओवरऑल काफ़ी फ़ोन काफ़ी सही है। तो सॉरी, इसमें बैटरी 3400 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, तो आपको दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा M10। तो इसमें आपको HD इन्फिनिटी डिस्प्ले मिलती है, और 90% इसमें रेशियो वो स्क्रीन में कवर किया गया है। आउटर कोर प्रोसेसर आपको इसमें मिलता है, इसमें आपको 3 GB रैम मिलती है, और 32 GB आपको इसमें रोम मिलती है। कैमरा आपको इसमें दोनों में सेम मिलेगा जैसे M20 में M10 में। जो फ्रंट का कैमरा है उसमें आपको 5 MP का कैमरा मिलता है, जो कि लाइव फोकस करता है, और लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी इसमें आ जाएगी। इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलता रियर में, जो कि आपको M20 में मिलता है, और डिस्प्ले में भी आपको इसमें फ्लैश मिलती है, जिसकी बैटरी साइज़ वो 3400 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। तो ये दो कलर में आता है, एक तो चारकोल ब्लैक में और एक ब्लू में आता है। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये M20 की वीडियो है, ये मैंने इसके फीचर्स आपको पहले ही बता दिए हैं कि इसमें ये आपको ये मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये जो M20 है। M10 में आपको थोड़े कम फीचर्स मिलते हैं। जो इसकी जो सेल्स होगी वो Amazon पे स्टार्ट होगी 5 फेब से। अगर हम इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग के मॉडल के अलग अलग प्राइस है। जो M10 की प्राइस है वो है, जो 2 GB रैम की प्राइस है वो है 7990, और जो 3 GB रैम की वेरियंट की कीमत है वो है 8990।
अगर हम M20 की बात करते प्राइस की, तो उसकी प्राइस है जो 3 GB रैम के साथ मॉडल है उसकी कीमत आती है 10,990, और जो 4 GB की कीमत है वो है 12,990। तो ये आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कमेंट बताना कि आपकी वीडियो कैसी लगी, और बताना कि आपको कौन सा फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। थैंक यू।